तो अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपको याद रखना है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो साइन एक्स है उसका पीरियड 2π होता है। ये इसी पीरियड में इसी इंटरवल पर रिपीट होता है। जैसे 2π में जो ग्राफ है ये पूरे डोमेन में ही ग्राफ यही पैटर्न रिपीट होता है। तो इसलिए वाई इक्वल टू साइन एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है। तो साइन ऑफ एक्स का पीरियड 2π है, साथ ही साथ कॉस एक्स भी 2π पे रिपीट करता है, सेक एक्स भी और कॉस सेक एक्स भी, तो सभी के पीरियड 2π होते हैं। तो आप इतना याद रखिए कि इन सभी फंक्शन का जो पीरियड है वो 2π होता है। और इसी तरीके से टेन एक्स और कॉट एक्स ये दोनों पाई इंटरवल पे अपना पैटर्न रिपीट करते हैं और इनका पीरियड 2π होता है। और साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉस सेक स्क्वायर एक्स इन सभी फंक्शन का जो पीरियड होता है वो भी 2π होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप याद रखिए, तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इनका पीरियड लिख सकते हैं। एंड साइन टू द पावर एन एक्स, कॉस टू द पावर एन एक्स, सेक टू द पावर एन एक्स एंड कॉस सेक टू द पावर एन एक्स आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2π व्हेन एन इज इवन एंड 2π व्हेन एन इज ऑड और फ्रैक्शन। तो ये सारे फंक्शंस भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। इनका पीरियड 2π होता है अगर एन इवन होता है, और इनका पीरियड 2π होगा अगर एन ऑड और फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए साइन क्यूब एक्स, ये भी एन की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इससे साइन क्यूब एक्स मिल जाएगा और एन यहाँ पर ऑड है, ठीक है, तो इसका पीरियड 2π हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अंडर रूट ऑफ साइन एक्स निकालें तो यहाँ पर एन की जगह हाफ है और हाफ एक फ्रैक्शन है, इसलिए इसका पीरियड भी 2π हो जाएगा। तो इन दोनों फंक्शन का जो पीरियड होगा वो 2π हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे फंक्शंस का अलग अलग एन के लिए हम सारे पीरियड्स निकाल सकते हैं। तो ये सब याद रखने से बहुत आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टेन टू द पावर एन एक्स एंड कॉट टू द पावर एन एक्स आर पीरियडिक फंक्शंस विथ पीरियड 2π रिस्पेक्टिव ऑफ एन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ भी हो, ये दोनों फंक्शंस हमेशा ही पीरियडिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स एंड मॉड ऑफ कॉस एक्स आर पीरियडिक फंक्शंस विद पीरियड 2π। और ऐसा क्यों हो रहा है हम साइन एक्स से समझ लेते हैं। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है और ये हर 2π पीरियड पे रिपीट हो रहा है। तो अभी हमने ड्रॉ किया वाई इक्वल टू साइन एक्स, और अगर इसमें हम मॉड लगा लेते हैं, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स कर देते हैं। मॉड लगाने से वाई की कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगी, क्योंकि साइन मॉड के अंदर है, तो जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी साइन की वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, ठीक है, ये आगे जाता जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव वाले ग्राफ के पार्ट्स थे वो पॉजिटिव हो चुके हैं क्योंकि हमने मॉड लगा दिया है। तो यहाँ पर जो पीरियड 2π था, 2π पीरियड पे ये फंक्शन रिपीट हो रहा था, अभी ये 2π पे रिपीट होगा। अब देख सकते हैं 0 से 2π के बीच में जो पैटर्न है वही पैटर्न 2π से 2π के बीच में भी है, एंड सो ऑन रिपीट हो रहा है। ये 2π पीरियड पे रिपीट हो रहा है, इसलिए मॉड लगा देने से इसका पीरियड 2π हो जाएगा और मॉड हटा देने से पीरियड 2π था। तो यहाँ पर हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉस एक्स में हमने मॉड लगा दिया है, तो इनका पीरियड 2π हो जाएगा। अगर इनमें मॉड हटा देंगे हम तो इनका पीरियड 2π हो जाएगा। और टेन एक्स और कॉट एक्स में मॉड लगाओ या नहीं लगाओ, इनका पीरियड हमेशा ही 2π होता है, तो ये दोनों एक्सेप्शन है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड है वो 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 डिस्टेंस पे, 1 इंटरवल पे 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है, जो पैटर्न है ग्राफ का, वही रिपीट हो रहा है हर इंटरवल पे। तो जब हम 1 इंटरवल चेंज करेंगे एक्स इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे, ये सारे पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो पीरियड है ये 1 है, क्योंकि 1 वो इंटरवल है जिस इंटरवल पे ये पूरा ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका पीरियड 1 है, ये चीज़ भी आप याद रखिए। नेक्स्ट पार्ट है, अभी हम एक फंक्शन ले रहे हैं f(x) जिसका पीरियड t है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, और अगर इस फंक्शन में हम k मल्टीप्लाई कर दें तो इस पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी इस फंक्शन का पीरियड t होगा। अगर x में हम कुछ ऐड कर देते हैं, से f(x+b) कर देते हैं, x में हमने x+b कर दिया, अभी भी पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी पीरियड t रहेगा। और अगर इस पूरे फंक्शन में हम कुछ ऐड कर दें, f(x) में हम कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं c, फिर भी पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा,
और अगर एक्स में हम कुछ मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम एक्स में ए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एफ ऑफ ए एक्स मिल जाएगा। तो इसके पीरियड में हमें मॉड ऑफ ए डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है और एक्स में अगर हमने ए मल्टीप्लाई कर दिया, तो पीरियड में मॉड ऑफ ए डिवाइड हो जाएगा। हमने ए में मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें अगर हमने के मल्टीप्लाई कर दिया और अगर हमने कुछ ऐड भी कर दिया अंदर, ए एक्स प्लस बी कर दिया, तो अभी इसका पीरियड और इसका पीरियड सेम होगा क्योंकि हमने एक्स में अभी कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने ए एक्स में कुछ ऐड किया है केवल। तो कुछ ऐड करने से पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है, तो अभी भी इसका पीरियड टी बाय मॉड ऑफ ए ही रहेगा। तो अभी इस फंक्शन को अगर कंसिडर करें, तो हमने इसमें के मल्टीप्लाई किया, के मल्टीप्लाई करने में पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है, तो इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर एक्स में हमने कुछ ऐड किया है, एक्स में हमने कुछ ऐड कर दिया, तो ही पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं चेंज आएगा, पर अगर हमने ए एक्स में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया होता तो यहाँ पर पीरियड में चेंज आ जाता। एक्स में जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं हम, वो यहाँ नीचे डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए। इसी में अगर हम एग्जाम्पल करें, तो हमें पता है कि साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2π है, और अगर हम साइन 2x कर दें, हमने एक्स में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2π बाय मॉड ऑफ 2, और ये हमें पाई मिल जाएगा। तो अगर साइन एक्स का पीरियड 2π है, तो साइन 2x का पीरियड पाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें, से 5, ठीक है, 5 हमने ऐड कर दिया इस पर, और बाहर हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे के की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 sin 2x कर दिया, और 2x में भी कुछ ऐड कर देते हैं, से हम पाई बाय 9 ऐड कर देते हैं, b ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हमने b की जगह पाई बाय 9 लिया। तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड वही हो जाएगा जो इसका पीरियड है, पाई। तो यहाँ पर किसी फंक्शन में हम कुछ ऐड कर रहे हैं बाहर साइड, ठीक है, से c, c की जगह हमने 5 लिया है, तो इसके और इसके पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर हम k इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं से 3, तो पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 2x में हम कुछ ऐड कर रहे हैं से b, तो भी इसके पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा जब तक कि हम 2x में कुछ मल्टीप्लाई ना कर दें, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इन दोनों का पीरियड भी सेम रहेगा। नाउ एक चीज़ और याद रखिए, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका पीरियड t1 है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, एंड जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन है जिसका पीरियड t2 है, और अगर इन दोनों फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं या फिर इन फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों फंक्शन का जो पीरियड होगा वो एलसीएम होगा t1 एंड t2 का। और ये चीज़ आप याद रखिए कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस ये ट्रू रहेगा। दोनों का एलसीएम लेके हम इस रिजल्टेड फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द पीरियड ऑफ वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 7। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो साइन एक्स का पीरियड है वो 2π होता है, और अगर एक्स में कुछ ऐड कर देते हैं तो पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। इसलिए साइन एक्स प्लस पाई बाय 7 का पीरियड भी 2π ही होगा। तो ये हमें पीरियड मिल गया साइन एक्स प्लस पाई बाय 7 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। हमें पता है कि जो टेन एक्स है उसका पीरियड पाई होता है, तो अगर एक्स में हम 7 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 10 7x, ठीक है। तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई बाय मॉड ऑफ 7। एक्स में जो मल्टीप्लाई होता है वो पीरियड में डिवाइड हो जाता है मॉड लगा के, तो हो जाएगा पाई बाय 7, ठीक है। अब 7x में अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो 7x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इसका पीरियड भी पाई बाय 7 ही होगा। तो हमें पीरियड मिल गया इस फंक्शन का। नाउ हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड है वो 1 होता है, और अगर एक्स में हम 1/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/5x है ये, तो 1/5 नीचे मॉड में जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय 5 का पीरियड मिल जाएगा 5, और यही हमारा आंसर है। नाउ इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, इसका निकालने के लिए हमें पता है कि कॉस एक्स का जो पीरियड है वो 2π होता है, और अगर कॉस एक्स में एक्स की जगह हम पाई मल्टीप्लाई कर दें तो पीरियड में मॉड ऑफ पाई डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, और कॉस एक्स पाई एक्स का पीरियड हमें 2 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर है। नाउ अब हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट पीरियड होगा इन दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस के पीरियड का एलसीएम होगा। हमें पता है साइन एक्स का पीरियड 2π होता है,
और यहाँ पर x जगह 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें साइन 2x का पीरियड मिल जाएगा। कॉस x का पीरियड भी 2 पाई होता है, यहाँ पर x के जगह 3 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉस 3x का पीरियड मिल जाएगा। तो हमें t1 मिल गया पाई, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और t2 मिल गया 2π/3। तो t1 साइन 2x का पीरियड है और t2 कॉस 3x का पीरियड है। तो एफ ऑफ एक्स का जो रिजल्टेंट पीरियड होगा, हमारा जो आंसर है वो होगा LCM ऑफ T1 एंड T2। तो ऐसा क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों पीरियड्स इक्वल हो जाएं, लीस्ट वैल्यू, ठीक है वही LCM हो जाएगा। इसमें हम M मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम N मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि सम M और सम N की वैल्यूज़ के लिए ये दोनों पीरियड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें M बाय N मिल जाएगा, दैट इज़ 2/3। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर m या n की वैल्यू डाल दीजिए तो दोनों आपको इक्वल वैल्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर m की वैल्यू हम 2 डालेंगे तो ये 2π मिलेगा, और यहाँ पर n की वैल्यू अगर डालेंगे तो आपको 3 × 2π/3 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 2π = 2π, दोनों इक्वल हो गए, तो हमें LCM मिल गया 2π, इसलिए रिजल्टेंट पीरियड भी हमें 2π मिलेगा, और यही हमारा आंसर है। नाउ एक चीज़ और याद रखिए आप, LCM ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। एग्जांपल के लिए एक फंक्शन लेते हैं हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 tan 3x - sin πx। इस फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल फंक्शंस के पीरियड का LCM लेना पड़ेगा। तो इस फंक्शन का पीरियड होगा 1/2, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 होता है, और x में हाफ मल्टीप्लाइड है तो हाफ यहाँ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर टेन एक्स का पीरियड पाई होता है, तो अगर x में 3 मल्टीप्लाइड है तो पीरियड में 3 डिवाइड हो जाएगा, और साइन पाई एक्स का पीरियड हो जाएगा 2π/π। साइन एक्स का पीरियड होता है 2π, यहाँ पर पाई मल्टीप्लाइड है x में, इसलिए पीरियड में पाई डिवाइड हो जाएगा। तो हमें तीनों फंक्शन का पीरियड मिल गया। इसको हम t1 ले लेते हैं तो t1 हो जाएगा 2, इसको हम t2 ले लेते हैं, t2 हो जाएगा π/3, और इसको हम t3 ले लेते हैं और t3 हो जाएगा 2, π कैंसिल हो जाएगा। नाउ अगर इस रिजल्टेंट फंक्शन का हमें पीरियड चाहिए तो सारे इंडिविजुअल पीरियड का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसका और इसका एलसीएम लें, ठीक है, तो हमें 2 ही मिलेगा, क्योंकि 2 ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब हमें 2 का एलसीएम π/3 से लेना पड़ेगा, तब जाके हमें रिजल्टेंट पीरियड मिलेगा। नाउ एलसीएम ऑफ 2 एंड π/3 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज 2 इज रेशनल नंबर एंड π/3 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर 2 रेशनल नंबर है और π/3 इरेशनल नंबर है, इसलिए इन दोनों नंबर्स का एलसीएम डिफाइंड ही नहीं है। और जब हम तीनों पीरियड का एलसीएम निकाल ही नहीं सकते तो फंक्शन पीरियोडिक कहाँ से होगा, इसलिए f(x) पीरियोडिक फंक्शन है ही नहीं। तो जब हम पीरियड निकाल नहीं पाएंगे तो पीरियोडिक फंक्शन भी नहीं होगा वो वाला फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा यही आंसर है कि f(x) इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है h(x) जो है f(g)x। तो यहाँ पर जी एक इनर मोस्ट फंक्शन है एफ का। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी फंक्शन का पीरियड टी है, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड ही टी हो जाएगा। तो यहाँ पर hx का पीरियड भी टी हो जाएगा। इसका मतलब है पीरियड ऑफ इनर मोस्ट फंक्शन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर एक इनर मोस्ट फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर आपको इनर मोस्ट फंक्शन का पीरियड पता चल जाएगा तो वही पीरियड पूरे फंक्शन का पीरियड के बराबर होगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंडर रूट फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। तो अंडर रूट फंक्शन के अंदर का जो फंक्शन है इनर मोस्ट फंक्शन, उसका पीरियड 2π है, साइन एक्स का पीरियड 2π है। तो जब इनर मोस्ट फंक्शन का पीरियड पता चल गया 2π है, तो इस पूरे फंक्शन का ही पीरियड हमें पता चल जाएगा, वो भी 2π ही होगा। तो हमें इस फंक्शन का पीरियड 2π मिल जाएगा, और यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं g(x) जो है साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर साइन एक आउटर फंक्शन है और अंडर रूट फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है x, ठीक है। तो जो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन है वो x है, और y = x कुछ इस टाइप से दिखता है xy प्लेन पे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर y = x किसी भी तरीके से पीरियोडिक फंक्शन नहीं दिख रहा है, y = x पीरियोडिक फंक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, कभी भी इसका पैटर्न रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर इनर मोस्ट फंक्शन ही नॉन पीरियोडिक है तो ये पूरा फंक्शन ही नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। हेंस साइन ऑफ रूट एक्स इज ऑल्सो अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन।
अगला क्वेश्चन करते हैं, हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। यहाँ पर इनर मोस्ट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है। तो जब इनर मोस्ट फंक्शन का पीरियड 1 है तो इस पूरे फंक्शन का ही पीरियड 1 हो जाएगा और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। तो यहाँ पर इनर मोस्ट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 4 है और हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड पता है। यहाँ पर x के जगह 1/4 मल्टीप्लाइड है तो 1/4 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो हमें इसका पीरियड 4 मिल गया। तो इनर मोस्ट फंक्शन का अगर पीरियड 4 है तो इस पूरे फंक्शन का ही पीरियड 4 हो जाएगा और यही आंसर। नाउ आप याद रखिए कि अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, इस फंक्शन का पीरियड हम t1 मान लेते हैं, इस फंक्शन का पीरियड हम t2 मान लेते हैं, और अगर जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स में और एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स में इंटरचेंजेबल है तो इस रिजल्टेंट फंक्शन का जो पीरियड होता है वो एलसीएम से कम होता है। ठीक है, तो इफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर देन द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन द एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शन को ऐड करके तीसरा फंक्शन बनता है तो इस रिजल्टेंट फंक्शन का जो पीरियड होता है इंडिविजुअल पीरियड के एलसीएम का पीरियड होता है। ठीक है, और हमने तब ये डिस्कस किया था कि हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, और वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर दो फंक्शंस इंटरचेंजेबल हैं एक दूसरे पे तो रिजल्टेंट फंक्शन का पीरियड इन दोनों पीरियड का एलसीएम से भी कम होता है। ठीक है, वो चीज़ अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। तो यहाँ पर दो इंडिविजुअल फंक्शन का सम है, ये रिजल्टेंट फंक्शन, इसका पीरियड है पाई और इस फंक्शन का भी पीरियड पाई है। तो अगर हम इसको t1 ले लेते हैं पाई और t2 पाई ले लेते हैं तो दोनों फंक्शन का पीरियड t1 एंड t2 है। तो इन दोनों को अगर हम एलसीएम लें तो पाई और पाई का एलसीएम पाई ही होगा। ठीक है, लेकिन ये एलसीएम इस रिजल्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स का पीरियड नहीं है, यहाँ पर ये ट्रू नहीं है, इससे कुछ कम है और इसका पीरियड हम हिट एंड ट्रायल मेथड से पता कर सकते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन में देखा था कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विथ टी एज अ पीरियड। ठीक है, टी यहाँ पर पीरियड है और ये पीरियोडिक फंक्शन है और टी यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, पीरियड का तो पाई से छोटी वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे इसको। ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू। हम यहाँ पर पाई बाय टू पे चेक कर रहे हैं कि पाई बाय टू इसका पीरियड है कि नहीं। ठीक है, तो पाई बाय टू डालने पे यहाँ से मिल जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू, यहाँ से मिल जाएगा मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू। ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू होता है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पर ये माइनस साइन मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स को इधर ले आइए मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये वापस से एफ एक्स बन गया, एफ ऑफ एक्स ही था मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर x के जगह x प्लस पाई बाय टू डाल देने से हमें वापस से एफ ऑफ एक्स मिल जाता है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड पाई बाय टू, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये टी है, ये पीरियड है, तो इसका पीरियड मिल गया टी इक्वल टू पाई बाय टू, और आप देख सकते हैं कि ये पीरियड एलसीएम से जो कि पाई आया था उससे कम है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपस में इंटरचेंजेबल है। जब हमने x प्लस पाई बाय टू किया x के जगह तो जो साइन x था वो cos x में कन्वर्ट हो गया और cos x था वो साइन x में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वापस से हमें f ऑफ x मिल गया। तो ये दोनों जब इंटरचेंजेबल हो जाते हैं तो पीरियड पाई से कम मिल गया हमें। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इस टाइप के फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं। हमने एलसीएम निकाला पहले, ठीक है, एलसीएम पाई मिल गया। अब हमें पता है कि पाई से इसका पीरियड तो कम होगा इस फंक्शन का, तो अब हम पाई बाय टू पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, और पाई बाय टू पे ये दोनों फंक्शन इंटरचेंजेबल मिल गए तो पाई बाय टू ही पीरियड हो जाएगा, और अगर पाई बाय टू पे नहीं मिलता ये पीरियड तो हम कोई और वैल्यूज के लिए भी चेक कर सकते थे। ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ये चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड है वो पाई होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का जो पीरियड है वो भी पाई होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो हमें पाई मिलेगा जो कि पीरियड के बराबर नहीं है, और इसका पीरियड इन दोनों के एलसीएम के बराबर क्यों नहीं है वो भी मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये एक आइडेंटिटी है, ये तो वन के बराबर होता है। और अगर एफ ऑफ एक्स वन है इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स अगर वन है तो ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एंड कॉन्स्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस हैविंग नो फंडामेंटल पीरियड। एग्जाम्पल के लिए एफ ऑफ एक्स अगर फाइव है, ठीक है मान लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 100 भी आपको 5 मिलेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है तो एक्स वाई प्लेन में एक कांस्टेंट लाइन होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। तो अगर हमने वाई इक्वल टू 5 एक एग्जांपल लिया है, तो वाई इक्वल टू 5 ये लाइन है, तो कोई भी आप एक्स ले लीजिए वो हर एक्स के लिए आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स 5 है तो एक्स प्लस 100 पे भी 5 ही मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा ही 5 है। इसलिए आप एक्स में कुछ भी ऐड कर दीजिए, कोई भी वैल्यू ऐड कर दीजिए, आपको 5 ही मिलेगा। तो इसका कोई फंडामेंटल पीरियड है ही नहीं। तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा ही पीरियोडिक होगा। इसलिए इस फंक्शन का कोई भी फंडामेंटल पीरियड आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड होता है पाई, कॉस स्क्वायर फोर एक्स का भी पीरियड पाई होता है। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था यहाँ पर कि अगर साइन एक्स का इवन पावर होता है, अगर एन इवन होता है यहाँ पर पावर में, तो पीरियड पाई होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस किया था। इसलिए दोनों इवन पावर है इसलिए दोनों का पीरियड पाई हो जाएगा। और इन दोनों पीरियड का अगर हम एलसीएम लें तो हमें पाई मिलेगा। और इस फंक्शन का पीरियड इस एलसीएम के बराबर नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपस में इंटरचेंजेबल है। ये चीज़ अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। तो इस फंक्शन का पीरियड तो पाई से कम ही होगा। तो पाई से कोई कम वैल्यू के लिए हम चेक कर लेते हैं पहले। तो इसको हम चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू। तो पीरियोडिक फंक्शन का क्या डेफिनेशन था कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो टी पीरियड हो जाता है और ये फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है। तो टी की जगह हम पाई बाय टू डाल के चेक कर रहे हैं। अगर हमको एफ ऑफ एक्स मिल जाता है तो पाई बाय टू पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू प्लस कॉस टू पावर फोर ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन दोनों को जब स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इवन पावर है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी इवन पावर है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, साइन की पावर फोर एक्स, ठीक है। तो ये दोनों से हमें ये मिल गया। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, दोनों मिला के साइन की पावर फोर एक्स हो जाएगा। नाउ इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ इन दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बचा हुआ है। नाउ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो साइन स्क्वायर एक्स पहले से था। तो इसको लिख सकते हैं कॉस पावर फोर एक्स, और ये सेम टू सेम हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये फिर से एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तो पहला हमारा फंक्शन क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर फोर एक्स था। अब ये इंटरचेंज हो गया है, जब हमने एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय टू डाल दिया तो ये अब बन गया है कॉस पावर फोर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर फोर एक्स, ये वापस से एफ ऑफ एक्स ही है। तो जब हमने एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय टू डाला तो हमें वापस से एफ ऑफ एक्स मिल गया, क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपस में इंटरचेंजेबल है। और हमने टी की जगह पाई बाय टू डाला था इसलिए पीरियड पाई बाय टू हो जाएगा। तो हमें इस फंक्शन का पीरियड पाई बाय टू मिल गया, जो कि एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल पीरियड्स पाई से कम है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल पीरियड है वो एलसीएम से कम है, और यही हमारा आंसर है।